अरे बहन जी, मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप अपना फोन पैंट में क्यों नहीं डाल रहे हो? वो मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? दीदी, आप क्या मुझे आपकी पैंट दे सकती हो? नहीं, मैं अपना पैंट तो तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन मेरी मालिक बहुत दयालु है, वो तुम्हें जरूर दे सकती है। मुझे बस आपका ये पैंट चाहिए। निकल निकल। किसी ने सही कहा है, आजकल ना कोई अपना पैंट देने के लिए भी तैयार नहीं है। अभी फोन जेब में रख और निकल। अरे बहन, आप रो क्यों रही हो? वो मेरा फोन कहीं खो गया है। क्या? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हारे जेब में डाला था। वो मेरा जेब फटा हुआ था, इसलिए मैं कब से फोन नहीं रख रही थी वहाँ पे। तो दोस्तों, फटे जेब में अपना फोन ना रखे। हार्ट टचिंग, पेन टचिंग वीडियो। रियली? हाँ, और मेरा 50 रुपया गिर गया, मेरी किडनी में हेडेक हो गया। ये वाली रील देखते वक्त जैसे ही पापा रूम में आए, मैंने फोन पे स्विच कर लिया, क्योंकि वो एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान था। मैं गालियों की पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, कंजक के पैसों से सुई धागा नहीं खरीद सकती है। अगर आज दानिश भाई जिंदा होते तो ऐसा ना होता। बहनचोद, मैंने देखी ही क्यों। मैं मेंटल हरासमेंट का केस कर दूंगा, मुझे सजा मिलनी चाहिए एंड तक देखने के लिए। थोड़ा मजबूत बना के रखना खुद को, मेरे नाम की हवा बहुत तेज आने वाली है। मैं सही में एक बंदा रख रहा हूँ इनको फुल टाइम गाली देने के लिए। ये वो बंदा है जो दो दो हफ्ते तक एक ही मोजा पहनता है। ये वही आदमी है जो नाश्ते में खाने के बाद डेजर्ट में गुटके की कुल्फी खाता है, और ये जब बहुत ज्यादा खुश होता है तभी गुटके की खीर खाता है। अब तो बाप की बेल्ट भी फिक्स नहीं कर सकती इसको। लगता है पुकी बाबा को बुलाना पड़ेगा ASAP, as soon as possible। I love you, Babu. भाई पहले ठीक से पैदा तो हो जा। No. भाई वो बेबी है किसी का, बाबू नहीं, तुमसे बड़ी तो हिमावारी है। इन दोनों को मिलाकर भी 18 साल नहीं हो रहे। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में सर अभी। अपना डायपर सेट कर ले पहले, टेक योर टाइम। ओके, तुम ये कर लो, मैं डोरेमोन देख लेता हूँ। ये पक्का नर्सरी फेल है, ऐसे बच्चों को तो संडे के दिन भी स्कूल बुलाना चाहिए। दो का टेबल सुनाइयो जरा। पुलिस आई थी घर पर। सनाया जंगल है, सब अपने शिकार की ताक में बैठे, यहाँ बचेगा वही जिसके पास ताकत हो। ऐसे बच्चों के लिए क्यों सेव कर रहे हम एनवायरमेंट, जिनके भरोसे हम देश नहीं छोड़ सकते। ओ भाई, मारो मुझे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, आजकल किडनैपर्स का काम धंधा चल नहीं रहा क्या? आई मीन यू नो। इन्होंने फिर छुट्टी मार ली स्कूल की, होमवर्क क्यों नहीं देते हो इनको? आई लव यू। ऐसे तो सब करते हैं, कुछ अलग करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा आखिरी दांत गिरने तक तुम्हारा साथ दूंगा। भाई तू दांत तो आने देता पहले, स्कूल जाने की एज में इसको लव स्कूल कौन दिखा रहा है? अब सोच रहे होगे कि इनके माँ बाप कहाँ है, वो एक्चुअली स्कूल गए हैं और राशन का जुगाड़ इनके बच्चे कर रहे हैं रील्स बना के। और करो रील स्क्रॉल। इन लोगों को मोटिवेशन कौन दे रहा है? आप लोग। गलती किसकी है? आप लोगों की। गुनहगार कौन है? आप लोग। मीरा मीरा ना, कुछ नहीं होने वाले। अच्छा किया बता दे, मुझे आसान काम वैसे भी पसंद नहीं। शक्ल से तो जेब कतरा लग रहा है ये, और नाक पोंछने के लिए रुमाल भी किश्त पे लेता है। छपरी लोगों के भगवान, आज अगर दानिश भाई जिंदा होते तो इस भड़वे के 4 रैप्टे मारते। ऑल इंडिया छपरी एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव है ये, सुबह सुबह उठ के गुटके का कुल्ला करता है ये। ये सस्ते नशे भी 80 रुपए महीना की EMI पे करता है। पैसा बर्बाद बहनचोद। 7 बज गए। Oh, really? गोपी बहू की ठरक बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। गोपी बहू जहाँ खड़ी होती है ला 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 वहीं से शुरू होता है।
लेकिन एक सेकंड, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है शाम का भाई? सबसे अच्छी एक्टिंग तो वॉल क्लॉक ने की है। 7 थाला फॉर अ रीजन, 7 बज गए बट रात अभी बाकी है। वैसे लैपटॉप धोने का टाइम हो गया क्या, या तो अहम जी के स्कूल जाने का टाइम हो गया? गाइस, अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। कभी कभी बुली करना जरूरी होता है। अब या तो इससे शादी कर लो या मुझे सब्सक्राइब कर लो। अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की खा के आई है ये नाश्ते में। इसको क्रश है तुम पे, हाँ तुम ही से कह रहा हूँ। बाबू बनोगे इसके, बात कराई दें, रिश्ता पक्का करवाई दें। इतनी खुशी मुझे आज तक। सिर्फ एक सवाल, क्यों? वैसे ग्लास कहाँ चला गया? अब तो 9 months के बाद ही पता चलेगा, सो लेट्स वेट। गांड तोड़ परफॉर्मेंस। बिगनर्स, इंडिया इज नॉट फॉर इवन इंडियंस। लाइटर ने इसको 5 बार चांस दिया था भाई, अगली बार रॉकेट यूज करियो। बॉय, इतना मूर्ख लड़का है वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। MBA चाय वाला से मिलने के बाद इसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया। I mean, बिजनेस में डाउनफॉल। लगता है ये वाला बिजनेस भी डूबने वाला है इनका। बोले बेटा मस्ते नहीं, इसको शर्म ज्यादा और पैसे कम। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, इसको शर्म कम और पैसे ज्यादा आते हैं। अगर ये कृष्णा जी का अवतार है तो मैं कंस की टीम में इस बार। भाई तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है स्कूल? नहीं, करियर ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो जैसे लास्ट वीडियो पे तुमने दिखाया था। ओके, और कमेंट करना मत भूलना कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्रिंच कौन लगता है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना @ being the mighty को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।